खबर, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का हुआ ऐलान, मिलेंगे रोजगार, बढ़ेगा व्यापार। टीएमसी सांसद का पुलिस कमिश्नर को पत्र, महुआ मोइत्रा बोली, मुझ पर नजर रखी जा रही है, घर के बाहर है 3 जवान हटाए। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई उमेश हत्या को लेकर मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में, पुलिस ने किया नागपुर से गिरफ्तार। भारतीय वायु सेना IAF ने कहा कि उसे अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 7,05,000 आवेदन हुए हैं प्राप्त। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर लगा दिया गया रोक, यहां से पवित्र गुफा में जाने की नहीं दी जा रही है किसी को भी इजाजत। यूपी विधान परिषद में 10 सदस्य होंगे आज रिटायर्ड, इनमें से सपा के 6, बसपा के 3 और कांग्रेस MLC के होंगे 1 रिटायर्ड। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर मुसीबतों का बोझ कम करने की वजह बढ़ाई जाने के उद्देश्य से रसोई गैस में फिर लगी आग, कंपनियों ने बढ़ाए 50 रुपए। 6 से 8 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना, 9 जुलाई को भी कोकण और मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है धुआंधार बारिश। नासिक जिले में एक मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु की गोली मारकर की गई हत्या, 35 साल की थे गुरु, महाराष्ट्र के नासिक जिले के केवला कस्बे में थे रहते। और भारत के लिए है आज गौरव का दिन, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान से संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में किया गया नियुक्त।